हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनूज किचन आर्ट गैलरी एंड व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये व्लॉग बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, क्योंकि ये है आज जो मैं दिखाने जा रही हूँ, मैंने देखा वो बहुत ही खूबसूरत है, मगर आज आपको भी मैं अंदर से दिखाने वाली हूँ, जो सिर्फ कई लोगों ने सिर्फ सुना होगा और कई लोगों ने तो दर्शन किए होंगे। तो ये है फ्रेंड्स जोधपुर राजस्थान का मेहरानगढ़ किला, जो कि बहुत खूबसूरत है। मैंने तो इसका आनंद भरपूर लिया है। अब आपको भी मैं दिखाने जा रही हूँ इस व्लॉग के ज़रिए, तो आप देखिए और इसका आनंद लीजिए, और आप खुद यहाँ पे आके जब देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ जयपुर से जोधपुर आई थी ट्रेन से 6 घंटे के अंदर में, और मेरी गुड़िया के यहाँ पर मैं ठहरी थी और ठहरी हुई हूँ, और वहाँ से अब हम अर्ली मॉर्निंग यानी कि मतलब 9:30 बजे के करीब सुबह हम लोग निकल गए थे, और 45 मिनट्स में हम लोग मेहरानगढ़ किले की ओर पहुँच गए थे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सड़क से ही हमें दिखाई दे रहा है मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किले का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये जोधपुर जो है खुद एक सन सिटी है, तो ये तो अब आप जान ही गए होंगे। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेहर का अर्थ होता है सूर्य, और गढ़ का मतलब होता है किला यानी कि फोर्ट। तो जोधपुर इट मीन्स सन सिटी, मेहरगढ़, मेहरानगढ़ किला। तो फ्रेंड्स, अब हम कार से उतर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अंदर। प्रवेश शुल्क फ्रेंड्स इधर का है 50 to 100, मतलब 50 से लेकर 100 रुपये तक का है। मगर फ्रेंड्स, आप एक ध्यान रखिएगा, आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो आप ऑनलाइन जो पे करते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन पे नहीं हो पाएगा, तो आपको यहाँ पे कैश रखना पड़ेगा। कम से कम आप यहाँ पे कैश रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑनलाइन तो है ही नहीं। और ये फ्रेंड्स, ये देखिए राजा राम इकबाल जी की स्मृति भवन था ये, और ये देखिए पूरे पत्थरों से बना हुआ ये हमारा किला। और यहाँ देखिए कितना ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, और कितनी सुंदर तरीके से बजा रहे हैं, और इनके ताल का हम आनंद लेते हैं। तो ये था पधारो मारो देश का, आपने आनंद लिया, हमने भी खूब लिया था। आप आइएगे और आपको और भी मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, आगे हम चल रहे हैं और ये देखिए आप खुद आनंद लीजिए। फ्रेंड्स, मेरी गुड़िया आगे जा रही है और मैं पीछे पीछे व्लॉग बना रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ से हम ऊपर चढ़ रहे हैं, और ऊपर चढ़ते ही जो खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला है वो ये है। यहाँ पे फ्रेंड्स जगह जगह गीत संगीत चलता ही रहता है। इस तरह के गीत संगीत बीच बीच में जो चलते हैं फ्रेंड्स, बहुत आनंद आता है। उस टाइम हमें लगता है कि हाँ, हमारे भारत की संस्कृति अभी भी जिंदा है और आगे भी इसी तरह से रहेगी, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोग स्वागत करते हैं अपने पर्यटकों का। जैसे हमारे देश में हम लोग तो देखते रहते हैं, मगर जब बाहर के लोग आते हैं उनको ये नज़ारा देखने में काफ़ी अच्छा लगता है।
और फ्रेंड्स, हाँ, इस नगाड़ों से मुझे बात याद आई कि यहाँ पे राजस्थान के जब लोक इंटरनेशनल लोक महोत्सव होता है वो अक्टूबर में होता है, आप अक्टूबर में भी आ सकते हैं। और ये यहाँ पे उसमें जो है पारंपरिक लोक नृत्य दिखाते हैं, संगीत कलाएं होती है। और वो ज्यादातर पूर्णिमा की चमकती रात को ही होती है। तो ये तो आगे हम बढ़ गए हैं, अब बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आ गए थे। फ्रेंड्स, यदि आप जो जयपुर से जोधपुर आ रहे हैं तो बाय रोड आ रहे हैं तो 372 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको 285 किलोमीटर दूर पड़ेगा। मतलब आप 4 घंटे से लेके 6 घंटे के अंदर अंदर आ जाएंगे, या फिर 6.5 घंटे के अंदर अगर बाय कार वगैरह रहेगा तो। और ये देखिए राजा का मोती महल है, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा आप पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग मतलब सेवा कार्यरत जो रहते हैं देख रेख करने वाले, वो सब जोधपुर की जो राजस्थान की ट्रेडिशनल ड्रेस है ना उसी में ही रहते हैं। ये लेडीज का है पूरा, जहाँ पे रानियाँ रानी महारानियाँ रहा करती थी उन सब का है। ये देखिए फ्रेंड्स इतना खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैं वहाँ पे देख रही थी तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये फ्रेंड्स देखिए, ये पालकी है जिसमें राजा जी या फिर महारानी जो बैठा करती थी इसी में उनको ले जाया जाता था। बहुत ही खूबसूरत है। तलवारे वगैरह है, ये मेरी गुड़िया है और वो हमारे बीनू जी हैं, यहाँ पे मेरा बेटा भी खड़ा है, सब आनंद ले रहे हैं, नॉलेज अपनी अपनी बढ़ा रहे हैं। देख देख के आप लोग भी नॉलेज बढ़ाइए।
पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये है हुक्का, जो राजा महाराजा जो अपने सिंहासन के लिए साथ रह के आराम से जो है हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे, ये वो हुक्का है। ये राजाओं की जो है वेशभूषा, और ये है पूरे महल का एक छोटा सा मॉडल। ये फ्रेंड्स, हम लोग ऊपर जाने के लिए रुके हुए हैं। ये देखिए, मैं पीछे थी तो मेरा वेट किया जा रहा है, और ये देखिए कितना ऊंचा है। अभी और भी ऊपर जाना, ऊपर तो हम थे ही, और ये देखिए मेरा बेटा, मेरी गुड़िया और बीनू जो है हमारा वेट कर रहे हैं। हम पहले ही इतने ऊंचे थे, अभी और ऊंचे हो गए, और ये देखिए थोड़ा फन भी हो रहा है, फोटो सेशन चल रहा है। जैसे ड्रेस की जो स्टाइल है वैसे ही स्टाइल में खड़ा है बीनू जी। और ये देखिए, ये शस्त्र खाना है जहाँ पे सारे शस्त्र रखे हुए। और ये देखिए, बहुत गर्व होता है जब बाहर से लोग कोई हमारे देश में हमारी चीज़ों को तारीफ करता है और देखने आता है। फोटो सेशन अभी ख़त्म नहीं हुए फ्रेंड्स, हम लोगों ने कम से कम 150-200 जितनी वीडियोस बनाई और फोटोज खींचे हैं। तो मैं तो आपको जितना दिखा सकती हूँ, जितना कैप्चर कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। और फ्रेंड्स एक बात और, ये जब हम यहाँ पे, सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन कहीं कहीं वीडियो अलाउ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जीबिशन थी, वहाँ पे भी अलाउ नहीं थी। एक बुक्स की जो एग्जीबिशन है वहाँ नहीं थी, और जहाँ से ख़रीदारी की जाती है वहाँ से भी हमें अलाउ नहीं था वीडियो बनाना। तो वहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई है, आप आके खुद ही देखिए, और बहुत खूबसूरत है। आपको एक बात बता दें, ये जो यहाँ पे जो सेल के लिए जो चीज़ें रखी गई है, जैसे राजस्थान की क्या कहते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, पहनावा है, लेडीज़ के जो श्रृंगार की चीज़ें हैं, चूड़ियाँ लाक की है, बिंदी है, और भी झुमके वगैरह बहुत कुछ है, जेंट्स भी है। और जब आप यहाँ पे आते हैं, अगर आप उनकी ख़रीदारी करते हैं तो आप अपनी जो पॉकेट है वो अच्छे से भर के आइएगा। ये राजस्थान की है तो मिल गई थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। ये ऐसे ही मेरे को कैमरे में आना चाहती थी तो इनको ले लिया, बहुत अच्छा लगा। आप भी हमारी ड्रेस देखिए राजस्थान की। अब हम नीचे उतर रहे हैं फ्रेंड्स, सीढ़ियों में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हम उतर रहे थे। तो ये ऊपर ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम नीचे उतर के देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे आगे है क्या। और ये देखिए, विंडो से पूरी हमारी सन सिटी दिख रही है, जैसे हमारा जयपुर पिंक सिटी है, ऐसे ये जोधपुर जो है पूरा सन सिटी है, पूरा ब्लू ब्लू है। ये देखिए पूरा ब्लू ब्लू है।
यहाँ तो हे प्रभु इतना खूबसूरत नज़ारा था कि बस यहीं पे रुक जाने का मन था। और आप इसे जब आप खुद असली सामने से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर है। जब तक आप यहाँ आते हैं तब तक मेरे ब्लॉग में एंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स, मेरा ये ब्लॉग या मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। और अब इसके बाद फ्रेंड्स हम आ चुके हैं बाहर की ओर, जहाँ पे सिर्फ तोपे ही तोपे रखी गई है और ये इतना ऊंचा है कि यहाँ से पूरा जोधपुर नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा जोधपुर का नज़ारा यहाँ से दिख रहा है, आप भी देखिए। और मैं बस इतना ही कैप्चर कर पाई थी फ्रेंड्स, और बाकी में वीडियोस अलाउड नहीं थी तो मैंने की नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सब इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम कहाँ गए, जोधपुर के कौन सी जगह पे गए, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मेरे चैनल में ये देखने है तो आप बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। तो अब कौन सी जगह जाएंगे हम, ये आप वेट कीजिए, कुछ दिनों में ही आपके साथ हम शेयर करेंगे हमारा जोधपुर का दूसरा ब्लॉग। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।